पत्रिका देश हरियाणा के पिछले एपिसोड में हम उसके संपादकीय भूमिका को खत्म कर चुके हैं। यदि आपका वह एपिसोड मिस हो गया हो तो आप स्क्रॉल डाउन करके उसे सुन सकते हैं। और आज हम इसमें महात्मा फुले के भाषणों की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ, जय भीम फूल जौहार। टॉपिक है ज्योतिबा फुले के भाषण। संपादकीय भूमिका के तहत ही हम लोग जान चुके हैं कि माता सावित्रीबाई फुले ने इन भाषणों को संपादित किया था और एक विशेष क्रम के अनुसार उन्हें रखा है। उसी के तहत पहला जो क्रम है वो है अति प्राचीन काल, जिसमें सबसे पहले संपादकीय भूमिका या टिप्पणी है छोटी सी, उसे हम पढ़ेंगे। ये छोटी सी, इस भाषण में मानव जाति की उत्पत्ति, पशु पक्षी और मानव में भेद, जंगली अवस्था से सभ्य मानव तक मनुष्य के विकास की ओर संकेत किया है। डार्विन का हवाला देकर वे ब्राह्मण, पुरोहित व अन्य धर्मों की पुस्तकों में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में फैलाए भ्रम को दूर करते हैं। फूले के अनुसार आज जिन्हें शूद्र, अति शूद्र के नाम से जाना जाता है, दरअसल वे यहाँ के मूल निवासी हैं। जंगली व क्रूर ईरानी आर्य ब्राह्मणों के विपरीत ये अधिक सभ्य, सुविचारी व विकसित लोग थे और अपने देश यानी बलिस्तान में जगह जगह अपने गांव बनाकर स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। लेकिन जंगली व क्रूर ईरानी आर्यों ने इनमें फूट डाल, छल पूर्वक गुलाम बना लिया संपादक। तो एक बहुत अच्छी चीज का जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो इसके सबसे प्रमुख शहर थे, वहां पर जो सभ्यताओं का विकास मिलता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यदि आप पढ़ें या भारत एक खोज सीरियल यूट्यूब पर सर्च करके उसे देखें, तो उसके पहले ही एपिसोड में ये पंडित नेहरू ये बताते हैं कि किस प्रकार से आर्यों का आगमन यहाँ पर हुआ और उन्होंने यहाँ पर जो सभ्यता थी उसको किस तरह खत्म करने में भूमिका निभाई। और इसी तरीके से वोल्गा से गंगा की चौथी स्टोरी जो है पुरुहूत, उसमें भी राहुल सांकृत्याय ने जिक्र किया है कि ये लोग जो है आर्य लोग कोई भी ऐसा काम करना पसंद नहीं करते थे जिसमें थोड़ा सा भी शारीरिक श्रम यानी कि फिजिकल एफर्ट लगे, तो उसे भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं। चलिए अब सीधा भाषण पर आते हैं, जिसका पहला टॉपिक है मानव जाति की उत्पत्ति। इसके तहत बहुत सारी साइंटिफिक चीजों के ऊपर वे बात कर रहे हैं। इस असीम और अतर्कत्य संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक तरह के तत्वों के संयोग से अनगिनत सूर्य मंडल और उनके ग्रहों उपग्रहों की उत्पत्ति होना, स्थिर होना और समय के साथ नष्ट भी होते रहना एक स्वाभाविक बात है। तो सेंटेंसेस बहुत लंबे लंबे हैं और थोड़ा भाषा भी कठिन है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बीच बीच में जहां जरूरी समझूंगी व्याख्या करती चलूंगी। इसमें एक बहुत कॉमन सी बात वे कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण किस तरह हुआ, कितने करोड़ों वर्ष लगे यहां पर जीवन उत्पन्न होने में। इस तरह प्रकृति के नियम अनुसार उत्पन्न व नष्ट होने का क्रम हमेशा चलता रहता है। कोई कोई लोग इसे सृष्टि क्रम कहते हैं। इसी सृष्टि क्रम से ब्रह्मांड के कई सौर मंडलों के ग्रहों में थलचर, जलचर और नभचर आदि जीव जंतु हो सकते हैं। तो एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जिस तरह हमारी पृथ्वी पर जीवन है, सौर मंडल जो है वो अनंत है, हो सकता है कहीं और भी जीवन हो जिसके बारे में हम ना जानते हों। अपने भूमंडल पर सभी प्राणियों में मानव प्राणी श्रेष्ठ है, लेकिन पृथ्वी का यदि हम बात करें तो मानव प्रजाति जो है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। गुबरेले धूप छांव व पानी में कब और कैसे पैदा होते हैं, इस पर एक शोध किया गया। इस शोध से पता चला है कि गोबर में द्रव्यों के रासायनिक क्रिया होने से काल व परिस्थिति में भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न काल में एक ही गोबर के तीन भागों में से एक ही तरह के जीव पैदा हुए। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जब रिसर्च हुई तो उसमें निकल कर आया कि जो गोबर होता है उसमें गुबरेला, जिसे हम बीटल्स कहते हैं, वो पैदा होते हैं और वो एक केमिकल रिएक्शन के तहत पैदा होते हैं और इसी तरीके से बाकी सबका जीवन भी आप मान सकते हैं उत्पन्न हुआ होगा। इस जीव
सृष्टि क्रम में दलदल, टेरिडोफाइटा, पेड़, मच्छी, मगर, बाघ, शेर, चील, चिड़िया, तोता, बंदर व मानव आदि प्रजातियां पैदा हुई। इनमें एक दूसरे के निकट के संबंध दिखाई देते हैं और ये प्रकृति के नियमों के अनुसार बदलते रहते हैं। बंदर पशु जाति का कायापलट होकर एक नई प्रजाति यानी मानव प्रजाति का जन्म हुआ। यह घटना कोई जादू या चुटकी से घटित नहीं हुई थी, इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे। तो ऐसा नहीं है जैसे कि वेदों में या धार्मिक पुस्तकों में दिया होता है कि चट से तथास्तु बोला, चुटकी बजाई और काम हो गया और सीधा बच्चा पैदा हो गया। इस तरह का कुछ नहीं होता है, एक प्रक्रिया के दौरान से गुजरना पड़ता है। यह मत डार्विन के सिद्धांत नाम से प्रसिद्ध है। यदि इसे सत्य माना जाए तो विभिन्न धर्मों में मनुष्य की उत्पत्ति संबंधी मतों का खंडन होता है। तो यहां पर एक बात मैं बता दूं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, जो भगत सिंह का सबसे मशहूर लेखों में से एक है, Why am an atheist? उसमें भी भगत सिंह ने डार्विन की थ्योरी का यही हवाला दिया है कि यदि डार्विन की थ्योरी हम मानते हैं तो अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में जितनी भी मानव की उत्पत्ति दी हुई है वो सब सीधे तौर पर खारिज हो जाती हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मा के शरीर की अलग अलग जननेन्द्रियों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, इन चार जीवों का जन्म हुआ है। तो अछूत समस्या पढ़ने के दौरान, जो भगत सिंह का ही लेख है अछूत समस्या, उसमें मैंने एक चीज एक्सप्लेन करी थी, उसे मैं यहां पर रिपीट कर देती हूं कि वेदों के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार केवल चार ही वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो अछूत हैं, जो अनटचेबल्स हैं, वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है और ना ही आदिवासी हिंदू धर्म का हिस्सा है। यदि आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़े, उसका हिंदी वर्जन, भारत एक खोज, उसमें भी, वैसे ये हिंदुस्तान की कहानी के नाम से भारत एक खोज आता है हिंदी में, उसमें भी पेज नंबर 84-87 के बीच में एक डिस्कोर्स नेहरू ने लिखा है, जिसमें वे कहते हैं कि गांधी ऐसा बोलते हैं कि जिसका भगवान में यकीन नहीं है वो भी अपने आप को हिंदू की कैटेगरी में रख सकता है। तो पूरा डिस्कोर्स है और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कोर्स है, पढ़ने लायक है, दिमाग खोलता है वो, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। पारसियों के धर्म ग्रंथ में अहूर मज़्द नामक देवता ने मनुष्यों को उत्पन्न किया। बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार जंगलों में जीवाणुओं से जीव उत्पन्न हुए। ईसाई मत के अनुसार प्रभु ने आदम का निर्माण किया और अपनी पसली से उसके लिए एक हव्वा उत्पन्न की। आदम और हव्वा, एडम और ईव के जोड़ से सभी मनुष्यों का जन्म हुआ। इस प्रकार तरह तरह के मतों की कमोबेशी और धर्म के झगड़े में न पड़कर यह मानकर चलते हैं कि किसी एक तरीके से ही मानव प्राणी की उत्पत्ति हुई है। तो इस लिहाज से तो पूरी दुनिया ही आपस में किसी ना किसी तरीके से खून के रिश्ते से जुड़ी हुई है। और इसी बात का हवाला एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति के विनाश में डॉक्टर अंबेडकर ने भी दिया है, फिफ्थ टॉपिक के अंडर, के आज की तारीख में कोई भी जाति विशुद्ध नहीं है, कोई भी खून ऐसा नहीं है जिसे आप पूरी तरीके से शुद्ध माने, सभी एक दूसरे का मिक्सचर है। दूसरा टॉपिक है पशु पक्षी और मानव। जिस तरह की परिस्थितियों में प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन परिस्थितियों में जीव निर्वाह के लिए प्रकृति व अन्य कला कौशल जनित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये पशु पक्षियों में भी होता है। वे बाल, ऊन व रेशम से चमत्कारी ढंग से बुनाई करके अपने घर यानी घोंसले तैयार करते हैं। ये चमत्कार देखते हुए मन नहीं अघाता। जीवन निर्वाह के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उन सब चीजों का ज्ञान पशु पक्षियों में पैदा हो जाता है। वे अपनी प्रजाति व अपने पूर्वजों की तरह खुशी प्राप्त करते हैं। मानव प्राणी जब उत्पन्न हुआ तो उसका व्यवहार पशुओं की तरह ही था, लेकिन आज उसका वे व्यवहार नहीं रहा। तो एक बहुत अच्छा कंपैरेटिव स्टडी वो बता रहे हैं कि नेचर ने जिस चीज को जैसा बनाया है, जब से उस चीज का हम जन्म माने, जस की तस जो नेचर का रूटीन है वो चला आ रहा है। एक सर्टेन इंटरवल पर मौसम बदलते हैं और एक सीरीज के हिसाब से ही मौसम बदलते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते।
चिड़िया सारी ही पशु पक्षी जो है वो सूरज के साथ उठ जाते हैं और सूरज डूबने के साथ ही अपने अपने घरौंदों में गुफाओं में वापस लौट जाते हैं। सिर्फ एक मानव प्रजाति ही है जो ऐसा रूटीन फॉलो नहीं करती है। हजारों साल पहले अबाबील नामक पक्षी जिस तरह अपना घोंसला बनाता था, आज के अबाबील पक्षी भी उसी तरह बनाते हैं। हजारों वर्ष पूर्व के घोंसले और आज के घोंसले में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। पशु पक्षी विचार शून्य होते हैं, इसलिए वे अपनी प्रगति नहीं कर पाते। मानव प्रजाति ऐसी नहीं है। मानव जब पैदा हुआ तो किसी चिड़िया या कौवे के बच्चे की तरह केवल एक मांस का लोथड़ा भर था। इस तरह के अनेक लोथड़े कितने ही पशु पक्षियों का भोजन बने होंगे, उनमें से कितने बचे होंगे। वे कहीं दुबक कर अपने प्राणों की रक्षा कर रहे होंगे। वे आगे चलकर पत्थर व लाठियों के साथ हिंसक जानवरों से लड़ते हुए अपना बचाव कर रहे होंगे। वे मोटे मोटे पेड़ों के खोल में या पहाड़ या गुफाओं में सोते होंगे। जंगली फल या जानवर मारकर, उसका मांस खाकर, घुटनों के बल बैठकर, हाथ टेक कर, कुत्ते की तरह चाट चाट कर पानी पीते होंगे। पैदा होने के बाद पशु पक्षियों को ना तो अपने जन्मदाता का पता होता है और ना ही उनको उम्र व रिश्ते नाते पता होते हैं। प्रारंभिक पशुवृत्ति अवस्था में मानव ऐसा ही था। माता पुत्र, पिता पुत्री के बीच यौन संबंध बनाता था। और इसका वोल्गा से गंगा की पहली ही कहानी निशा इस बात का उल्लेख उसमें है। राहुल सांकृतियन जी ने किया है कि किस प्रकार जो है वो औरतें जो हैं वो सब चीज का संचालन किया करती थी, हर चीज का नेतृत्व जो है वो औरतें किया करती थी। वो चाहे घर की मुखिया हो, चाहे वो पशुओं का जो शिकार करने के लिए बाहर जाना हो, हर चीज की अगुवाई जो है वो औरतें किया करती थी। मैट्रियार्की सोसाइटी थी, पेट्रियार्की नहीं थी। इस चीज का जिक्र मैं समय समय पर करती रही हूं और मणिकर्णिका में भी इस बात का जिक्र तुलसी राम जी ने किया है। यूरोप के बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा है कि प्रारंभिक मानव पशु पक्षियों की तरह नंग धड़ंग घूमते थे। ये उनके लिए कोई लाज शर्म की बात नहीं थी। पशु पक्षियों और मानव में खाने पीने, सोने, जीवन रक्षा व संभोग करने जैसे स्वाभाविक लक्षण समान है। इस विषय में श्लोक भी है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनाचा, सामान्यते तत्पशु निर्भरा नाम, ज्ञान नारायणम मिधो विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। इसका अर्थ है कि खाना पीना, सोना, भय और मैथुन मनुष्य और पशुओं में एक समान है। ज्ञान के कारण ही मनुष्य विशिष्ट है, अन्यथा वह पशु समान ही है। पशु पक्षियों में भी पैदाइशी बुद्धि होती है जो अपने मनोभाव प्रकट करने का साधन है। कीड़े मकोड़ों की भाषा है त्वचा, स्पर्श। केवल भाव भंगिमाएं ही उनकी सहज भाषा होती है। जानवरों पक्षियों की अलग अलग भाषा होती है। बारकर ने इस तरह की शोध की है तो बहुत सारी चीजों को अपने जमाने में हुई शोधों का उन्होंने बाखूबी जिक्र किया है। उस जमाने में जबकि छापे खाने कम हुआ करते थे, किताबें आसानी से अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, एक शोध का दूसरे देश तक पहुंचने में कई महीनों लग सकते थे, तब भी वो उतनी सारी पुस्तकों को पढ़ते थे खोज खोज के। जो लाइब्रेरीज थी वो बहुत कम हुआ करती थी। तो ये काबिले तारीफ है, इतने सारे चीजों को पढ़कर उन्होंने यहां पर कोट किया है। मनुष्य की प्रारंभिक भाषा पशु पक्षियों की तरह थी। वे विशिष्ट ध्वनि या नियमित स्वर और शब्द के योग से मनोभाव प्रकट करते होंगे। ये तो जो हम देखते हैं, जो पुरानी केव्स हैं उनके अंदर जो चित्रकारी की हुई है उसके जरिए हम पता लगाते हैं कि उनकी भाषा अलग रही होगी और उनका जो है अपनी चीजों को जताने का तरीका रही होगी चित्रकारी। परंतु मानव प्राणी की नए नए शोध करने वाली बुद्धि और जानवरों की विचार शून्य बुद्धि और समस्त सृष्टि की रचना, इन तीनों पर सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो निर्मित विद इन ब्रैकेट ईश्वर की योजना दिखती है कि अन्य समस्त प्राणी मानव के अधीन रहें और उनके सुख के साधन बने तथा सृष्टि के तमाम पदार्थ भी उसके सुख के कारण बने। कहने का मतलब यह है कि तर्कशील रहा है, रैशनल थिंकिंग जो है वो इंसानों में रही है
और उसका जो गलत इस्तेमाल उसने किया है कि हर चीज को अपने कब्जे में करने के लिए। सृष्टि में मौजूद समस्त पदार्थ द्रव्य रूप अथवा करण रूप में उत्पन्न है, कार्य रूपी में नहीं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य के लिए उपयोगी पीसने वाली चक्की, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पत्थर व मिट्टी करण द्रव्य हैं, लेकिन चक्की बर्तन आदि स्वतः उत्पन्न नहीं हुए। सृष्टि के द्रव्यों और पदार्थों की आवश्यकता आवश्यक वस्तुएं बनाते बनाते मनुष्य ने पदार्थ के गुण धर्म स्थिति गति महत्व को समझने के लिए अभी तक हजारों बुद्धिमान एवं मेहनती लोगों ने अपनी जिंदगियां लगाई हैं। इन लोगों के अनुभव सिद्ध ज्ञान व प्रयोग सिद्ध सिद्धांतों से भौतिक शास्त्र तैयार हुआ। पशु ये नहीं कर सकते। पशुओं और मानवों में यही अंतर है। और यहाँ पर एक बात जो समझने लायक है वो ये कि जिन्हें अपने जातीय श्रेष्ठता पर घमंड है उन्होंने कभी एक सुई तक का आविष्कार नहीं किया है, मामूली सी सुई तक का। या तो ये आदि मानव की जो सभ्यताएं हैं वहां से चली आ रही हैं। यदि हम इंडस सिविलाइजेशन पढ़ें तो हम पाते हैं कि वो बहुत उन्नत सिविलाइजेशन थी। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में और सारे दिलचस्प फैक्ट्स के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आज्ञा दीजिए, अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को स्प्रेड करना भी ना भूलें। धन्यवाद।